नमस्कार दोस्तों, ज्ञान स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी उन लोगों के बारे में जिनकी दोनों भौहों पर तिल होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी दोनों भौहों पर तिल होता है। तो फिर आखिर इसका क्या मतलब होता है और वह जो तिल है इन लोगों के जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हमारे शरीर पर तिल का होना भी हमारे भविष्य में होने वाली घटनाओं, सफलताओं, असफलताओं, आने वाले समय के बारे में दर्शाता है कि क्या कुछ हमारे जीवन में घटित हो सकता है या फिर किस तरह से ये जो तिल होते हैं हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन लोगों के बारे में जिन लोगों की दोनों भौहों पर तिल होता है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की दोनों भौहों पर तिल होता है, इन लोगों का जो जीवन होता है उसका जो अधिकांश समय होता है वह यात्रा में बीतता है। दोस्तों, ये जो लोग होते हैं अधिकांश समय ट्रैवल ही करते रहते हैं। अब ये इनकी जो यात्राएं हैं वह किस संबंध में हो रही हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह व्यापारिक रूप से यात्राएं कर रहे हैं या फिर कहीं घूमने जा रहे हैं, इन सब चीज़ों से भी इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो इस तरह के लोग होते हैं उन लोगों का जो अधिकांश समय होता है, अधिकांश जीवन होता है, वह यात्रा करते हुए ही निकलता है। तो दोस्तों, यह थी छोटी सी जानकारी उन लोगों के बारे में जिन लोगों की दोनों भौहों पर तिल होता है। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आप इसी तरह की और जानकारियाँ चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी तरह के वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके।